हाँ वीडियो है हम। हाँ हाँ बोलिए, कार स्क्रैपिंग का। देखिए इसका हम लोग का कार स्क्रैपिंग का बजट आपको अप्रोक्स बता दें ऐसे ही, कि अगर आप ये काम चालू करना चाहते हैं तो कम से कम आपका, नहीं भी तो समझिए तो 1 से 1.5 करोड़ का बजट चाहिए होता है, और लाइसेंस वगैरह बनाने में ही कम से कम मान लीजिए आपको 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा उसी में हो जाता है। हाँ हाँ और इसका डिटेल्स जो है, हम लोग एक डेमो प्रोजेक्ट हम लोग के पास रहता है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें आपको क्या इस बिजनेस के लिए, तो उसमें जैसे आपको क्या लाइसेंस चाहिए, कितना बजट चाहिए, क्या मशीन चाहिए, क्या प्रॉफिट पे आउट निकलता है, कहाँ कहाँ से एप्लीकेशन होता है, ये सारा डिटेल हम लोग उसमें दिए रहते हैं। तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, परचेस करके मतलब आराम से आप गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपका और भी जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है क्लियर हो जाएगा कि कार स्क्रैपिंग के लिए आपसे मतलब क्या क्या आपको अभी आपके पास अवेलेबल है और क्या क्या आपको चाहिए होगा, ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर पाएँ, और उसको हम लोग हाँ हाँ करते हैं, मगर वो पेड सिस्टम होता है, वो 2,500 रुपीज़ हम लोग का उसका फ़ीस है, डेमो जो प्रोजेक्ट है उसका, और वो लेने के बाद आप डेमो क्या होता है, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ कि क्या क्या कंटेंट उसमें रहता है, मतलब मैटर क्या क्या रहता है, ताकि मान लीजिए आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये टॉपिक उसमें आपको मिलेगा चीज़ों का, जैसे मान लीजिए लाइसेंस हो गया, बजट हो गया, एरिया हो गया, कौन कौन स्टार्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट निकल सकता है, ये सारा टॉपिक है, जो जो टॉपिक कवर करता है उसका लिस्ट मैं आपको भेज सकता हूँ कि क्या क्या टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है जी। बजट का बता ही दिया आपको, तो बजट का तो आपको बता ही दिया है प्रोक्स, नहीं तो ये तो आपको नहीं वो आपको वो डेमो प्रोजेक्ट में ही मिलेगा, उसका वैसे नहीं भेज सकते हैं। हम आपको लिस्ट भेज सकते हैं कि क्या क्या चीज़ उसमें कंटेंट करता है, वो भेज सकते हैं। नहीं देखिए ये तो बिजनेस है ना, आपको भी मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा भी ये बिजनेस है, हम भी अपना मान लीजिए टाइम देके चीज़ों को बनाते हैं करते हैं, तो अगर ऐसे ही भेजते रहें तो हमारा भी कोई ये नहीं होगा ना, फिर आपका भी मुद्दा है, हम लोग का भी मुद्दा है। नहीं बजट ओवरऑल बजट तो आपको बता ही दिया कि कितना चाहिए होता है, अब पर्टिकुलर नहीं लैंड कहाँ से इंक्लूड होगा, 2 बीघा लैंड आपको चाहिए होगा, आप मान लीजिए सिटी वाइज होता है, कहीं पता चला आप 2 बीघा लैंड लेने जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसी का आपको 2-3 करोड़ हो जाए, लैंड बिल्डिंग तो अलग होता है ना, वो तो हमेशा ही अलग होता है, और वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, कहीं पता चला आपको 2 बीघा 10 लाख में भी मिल जाएगा, कहीं 2 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। हाँ इसीलिए तो हम लोग वो डेमो बना के देते हैं, ताकि मान लीजिए कोई 10 लाख नुकसान होने से अच्छा है कि 2,500 में आप चीज़ सीख जाइए, क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए आप कोई जगह ले ले, जमीन ले ले, फिर ना हो पाए तो फिर तो मुश्किल है ना उसके लिए। मैं आपको एक अप्रोक्स थोड़ा सा जो आइडिया है मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है जी, व्हाट्सअप कर देता हूँ, समझ गया किसका कितना है एक, ठीक है उतना दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं लिख के भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट क्या होता है, हम लोगों तो सब कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।